पैलेट चेक करें, पूरा प्रोसीजर है कि वुड पैलेट को कैसे डालना है। ये कमर्शियल लेवल पे ये जो चूल्हा आपको नज़र आ रहा है ये कमर्शियल लेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने वुड पैलेट एंटर करना है और ये ऑटोमेटिक नीचे गिराएगा और ये कमर्शियल लेवल का चूल्हा है। कहता सू भट्ठी तो तुम देती सर जी माल असं किस तरह ये पाइए, एक घंटा बाहर से गर्म नहीं होता। जब हाँ आप 10-15-20 मिनट आग जलाते हैं किसी का हाथ जल जाए और ऊपर कैपेसिटी भी नहीं होती उसके 10 किलो वजन रख लें या 20 किलो। ये चूल्हा काफ़ी हमारे पास कस्टमर आते थे कि यार हम चूल्हा तो आपके पास से ले लें, आप पैलेट डालने का क्या तरीकाकार होगा। उसके लिए हमने ऊपर होबर लगा दिया है, ठीक हो गया। उसमें आप 15 किलो पैलेट डालें, 10 किलो पैलेट डालें, आप चाहें तो इसमें एक टाइम पे पैलेट डाल लें, चाहें तो आप 10 देगें पका लें। इससे आप इसमें दूध रखें, 100 किलो दूध रखें, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। आपने खोया लगाना है, खोया लगाने के लिए सबसे बेहतर है। मिठाइयों वालों के लिए तो ये सोना है ना। ये चेक कर सकते हैं कि वुड पैलेट इस तरीके से ये नीचे चूल्हे में जा रहा है, इधर आके यहाँ पे इसको जलाया जाएगा। अभी आपको दिखा भी सकते हैं कि ये 3 मन वजन जो है वो हमारा चूल्हा उठा सकता है। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, 3 मन, हाँ जी 3 मन वजन उठाएगा। 114 किलो मेरा अपना खुद वजन है। अभी आपके सामने आपका कैमरामैन दिखाए, ये चूल्हा चेक करें, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत कमजोर है लेकिन ये बहुत मजबूत चूल्हा है। हाँ ऐसा ही है सर? हाँ जी, अभी आपके सामने देख लें, आप खुद ही देखें, ये देखें, ये देखें, ये चेक करें जी, माशाल्लाह आपका काफी ज्यादा वेट है। तो आप देख सकते हैं ये कि हमारा चूल्हा ना फटेगा ना खराब होगा, इसकी हम 3 साल की गारंटी देते हैं। और आइए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, ये चेक कर सकते हैं कि क्वांटिटी इनके पास बहुत ज़्यादा है। ये जो आपको चूल्हे नज़र आ रहे हैं ये भी तैयारी में है और ये घरेलू सार्फिन के लिए बेहतरीन चीज़ है। निमको फ्राई करने के लिए ये सबसे बेस्ट बर्नर है, जिसकी कढ़ाई का साइज होता है 70-72-80-60 इंच, काफ़ी लोगों की तादाद में कढ़ाइयों का साइज होता है, उनके लिए ये बर्नर सबसे बेस्ट है। बेकरी के लिए तो सबसे ज़्यादा खुशखबरी बेकरी वालों के लिए, अच्छा जी, क्योंकि आपको पता फ्रूट केक आपने कभी खाया? बिल्कुल खाते हैं, वो भी यही तैयार करता है। ये चेक करें जी, पैलेट बनाने वाला आपको मकम्मल मिक्सचर यूनिट आपको दिखा रहे हैं, ये भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासरीन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफिस से होंगे। तब्दीली टीवी में आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूं, बग़ैर गैस के चलने वाला चूल्हा। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान में गैस की काफ़ी शॉर्टेज है, बल्कि गैस आती ही नहीं है, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में आपको बग़ैर गैस के चलने वाला चूल्हा दिखाऊं, जिसकी प्राइस और जिसका ख़र्चा सिर्फ 3500 रुपये है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको अपने गांव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव में तो बिल्कुल गैस नहीं होती, और इसके अलावा जो हिल एरिया में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, वो भी इस चूल्हे को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो गैस बिल्कुल ही नहीं होती। तो इसका जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं फैक्ट्री से, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, तो वो भी यहाँ से बाय करके अपना अच्छा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कमर्शियल सार्फिन है, जैसे पकवान सेंटर हो गया, बेकरीज वाले हो गए, वो इस चूल्हे को कमर्शियल लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि छोटे चूल्हे तो यहाँ पर मौजूद ही हैं। और इसके अलावा जो कमर्शियल है बेकरीज वगैरह के लिए, वो भी यहाँ पर चूल्हे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये चेक करें, ये कमर्शियल लेवल का चूल्हा है, और इसके अलावा ये घरेलू सार्फिन के लिए बेहतरीन चूल्हा है। और आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डेमो भी करके दिखाएंगे, थोड़ा सा आपको मैं विजिट भी करवाता हूँ फैक्ट्री का। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि फैक्ट्री में काफ़ी सैकड़ों की तादाद में ये चूल्हे मौजूद हैं, और ये जो आपको छोटे चूल्हे नज़र आ रहे हैं ये घरेलू सार्फिन के लिए हैं। तो इसके अलावा कमर्शियल लेवल वाले भी आपको प्लांट दिखाएंगे, ये चेक करें, इनकी तैयारी भी जारी है, और ये चेक करें यहाँ पे कारीगर वगैरह भी लगे हैं, इनको तैयार कर रहे हैं, और इसकी ये चेक करें क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, और इसका रेट भी काफ़ी मुनासिब होगा और अच्छी क्वालिटी में होगा। इनके जो ओनर बता रहे थे कि ये हमारी क्वालिटी सबसे बेहतरीन क्वालिटी है और सबसे अच्छी है। तो चलते हैं ओनर की तरफ, इनसे जानेंगे कि फैक्ट्री में क्या क्या वैरायटी आ चुकी है, जो छोटे स्टोव हैं और इसके अलावा जो कमर्शियल लेवल पर हैं उनकी क्या क्या वैरायटी आ चुकी है। तो मेरे साथ मौजूद होंगे इस फैक्ट्री के ओनर, इनसे जानेंगे कि घरेलू सार्फिन के लिए कौन कौन से चूल्हों की वैरायटी है, और जो कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या वैरायटी यहाँ पे मौजूद होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह।
सर माशाल्लाह पहली वीडियो काफ़ी फेमस हुई है, काफ़ी लोगों ने लाइक किया, प्यार किया, तो उस वीडियो में हमने प्राइसेस भी नहीं बताई थी। आज की वीडियो में कीमत भी बताएंगे चूल्हों की, जो घरेलू सार्फिन के लिए क्या क्या वैरायटी आपके पास मौजूद है और कमर्शियल लेवल पे क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। घरेलू सार्फिन के लिए 4 मॉडल हमने बनाए हैं जो घर में यूज़ करते हैं, 1 MS में, 3 SS में। ठीक है, तो हमारी प्राइस 5,000 से स्टार्ट होती है और 7,500-8,000 रुपये तक जाती है। ठीक हो गया, चूल्हों की, और 3 साल की वारंटी में होंगे चूल्हे। ठीक हो गया, कमर्शियल लेवल पे कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? पहले तो घरेलू की बात कर लेना, और चूल्हे जो होते हैं ना, जो हमारे तकरीबन कम से कम जो प्राइस वाला चूल्हा कम से कम वो 8 किलो का होगा, और SS का जो हमारा चूल्हे का वजन होता है 6 से 6.5 किलो होता है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अच्छी है, अच्छी गेज में है, आप चाहें तो उसमें 20 मन वजन भी रख लें, वो लचक नहीं लेगा ना वो लिफेगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले किस पे बात करेंगे? सबसे पहले ये MS पे बात कर ले, इसका 8.5 किलो वजन है, 8 किलो। ठीक है, उसके बाद SS में आ जाते हैं, ये हम 6,000 रुपये का दे रहे हैं, 6,500 रुपये पहले देते हैं, अब 6,000 में कर दिया इसको, क्योंकि लोग कहते हैं हम बहुत, आजकल पता आपको हर बंदा मजबूर है और चाहता है कि सस्ती चीज ले, थोड़ी सी हालात भी ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये हमने 6,000 का SS का, इसका वजन भी 6.5 किलो, 1 घंटा बाहर से गर्म नहीं होता। जब हाँ आप 10-15-20 मिनट आग जलाते हैं, किसी का हाथ जल जाए और ऊपर कैपेसिटी भी नहीं होती उसके, 10 किलो वजन रख लें या 20 किलो, ठीक है, वो 3,000 का लेते तो 30 दिन ही चलता वो। ये लाइफ टाइम चलेगा? ये लाइफ टाइम होगा इंशाल्लाह, ये इस साल लिया अगले साल भी चलाएं, उसको अगले साल भी चलाएं। ठीक हो गया। तो घरेलू सार्फिन के लिए ये MS में है, और इसके अलावा इसकी क्या प्राइस है? इसकी 5,500 रुपये है। अच्छा, ये जो रेड वाला है इसकी 5,500 प्राइस है, और आगे इसकी 6,000, उसकी 7,000। ठीक हो गया, 5,500, 6,000 और ये 7,000 का है, और अच्छी क्वालिटी में है। अच्छा, इसको चलाने का तरीकेकार तो बताएं ज़रा। चलाने का तरीका यही है, ये मेन होल होते हैं उसके, एक इंच नीचे इसको पैलेट को नीचे रखें, नीचे रखने के बाद आप पहले माचिस की तीलियाँ डालें, जो पिछली वीडियो में आप मैंने तरीका दिखाया था। ठीक हो, पहले आप माचिस के, क्योंकि पहले आप मिट्टी का तेल डालेंगे तो ये जल्दी से जल्दी अपने आप को जज्ब करता है मिट्टी का तेल, ये पैलेट जो है, जब जज्ब हो जाता है फिर लोग कहते हैं यार हम तो उसको जलाते हैं धुआं आता, धुआं तो आएगा। आप पहले माचिस की तीली रखें या 2-3 तीलियाँ रखें, माचिस के ऊपर मिट्टी का तेल यूज़ करें, ना पेट्रोल इसमें यूज़ करना है, ना इसमें आपने डीजल इस्तेमाल करना। ठीक हो गया, सिर्फ आप इसमें करोसेल इस्तेमाल कर सकते हैं या मोम कर सकते हैं या मिट्टी का तेल, ये दो चीज़ हो गया। और इसका जो फैन लगे हुए हैं ये किस पे चलते हैं इन सारों के? DC फैन है ये, तो आम 150-200 रुपये का आम इजीली किसी भी कंप्यूटर वाले से मिल जाता है, उससे रब्ता कर लें, आपके हर, आपको पता है हर 3री गली में कंप्यूटर वाला बैठा हुआ है या हर जिला में हर जगह में बैठे हुए, तो उनके पास तादाद में पड़े होते हैं। जबरदस्त हो गया। हाँ जी, तो प्राइस आपको बता दी है, और ये क्या चीज़ पड़ी हुई है ये जो हमारे आगे है? ये तो छोटे लेवल पे कमर्शियल जो लोग यूज़ करते हैं अपना, 2-3 किलो सब्जी वगैरह या दालें वगैरह या कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके लिए ये। ठीक हो गया, क्या प्राइस है इसकी? इसकी 14,000 रुपये प्राइस है। 14,000 रुपये प्राइस है, और ये किस मटीरियल का? लोहे का? ये MS का। ठीक हो गया, MS का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। अच्छा, इसकी गारंटी वगैरह भी होगी इनकी? सब की 3 साल की वारंटी है। 3 साल की गारंटी मिलेगी? जी जी, ज़बरदस्त, सब चूल्हों की 3 साल की वारंटी। ज़बरदस्त हो गया, फर्स्ट टाइम 3 साल गारंटी दे रहे हैं। और इसके अलावा ये सबसे बड़ा जो कमर्शियल लेवल पे चूल्हा है ये भी आपको दिखाते हैं, और ये चेक कर रहे हैं कि ये ऊपर से वुड पैलेट आ रहा है और ऑटोमेटिक इसके अंदर चूल्हे के अंदर गिर रहा है। हाँ जी, तो कमर्शियल लेवल पे क्या क्या वैरायटी है? कमर्शियल लेवल पे एक ये मॉडल है जो उसके ऊपर हबर लगा हुआ है, जो माल ऑटोमेटिक, जो लोग कहते हैं माल कैसे डाले, जो भी आता है कोई दूध वगैरह फ्राई करने वाला या कोई किसी किस्म का भी कोई काम करने वास्ते कहता सू भट्ठी तो तुम्हें देती सर जी माल असी किस तरह ये पाइए, माल पाने वास्ते अभी नवी टेक्नीक उत्ते ला दी कि वह भट्ठी रखन उत्ते जिहोजी मर्जी रखन, तो माल पाने की टेंशन नहीं हैगी, बस पिछों घुमाण वर्म लगा हुआ उन्होंने घुमाण तो बाद माल वेखो गिर रहा माल। जबरदस्त हो गया, ये चेक करें पूरा प्रोसीजर है कि वुड पैलेट को कैसे डालना है। ये कमर्शियल लेवल पे ये जो चूल्हा आपको नज़र आ रहा है ये कमर्शियल लेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से वुड पैलेट इसको यहाँ पर आपने वुड पैलेट एंटर करना है और ये ऑटोमेटिक नीचे गिराएगा, और ये कमर्शियल लेवल का चूल्हा है। सबसे पहले आपको जो घरेलू सार्फिन के लिए चूल्हे हैं वो आपको दिखाते हैं, तो इसकी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है हमजे साहब। ये घरेलू सार्फिन के लिए 4 मॉडल है ये। ठीक है, ये सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि घरेलू सार्फिन के लिए ये मॉडल है, ये एक मॉडल है और 3 मॉडल ये पड़े हैं, और इसके अलावा आपको कमर्शियल लेवल का आपको चूल्हा दिखाने वाले हैं। ये जो बेकरीज वाले होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, पकवान सेंटर वाले इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस क्वालिटी में है।
तो सर ये कौन सी क्वालिटी में है? ये चूल्हा काफ़ी हमारे पास कस्टमर आते थे कि यार हम चूल्हा तो आपके पास से ले लें, आप पैलेट पार डालने का क्या तरीकाकार होगा? उसके लिए हमने ऊपर होबर लगा दिया है, ठीक है। उसमें आप 15 किलो पैलेट डालें, 10 किलो पैलेट डालें, आप चाहें तो इसमें एक टाइम पे पैलेट डाल लें, चाहें तो आप 10 देखे पका लें इससे, ठीक है, 20 पका लें। आप इसमें दूध रखें, 100 किलो दूध रखें, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। आपने खोया लगाना है, खोया लगाने के लिए सबसे बेहतर है। मिठाइयों वालों के लिए तो ये सोना है ना, ये मिठाई वाले पकवान सेंटर जितने भी हैं उन लोगों के लिए, ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये कौन सी क्वालिटी में तैयार किया आपने? ये MS क्वालिटी में, और अंदर मैग्नस स्टील में बॉडी है इसकी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है MS में 300 क्वालिटियाँ होती हैं, सबसे अच्छी जो क्वालिटी उसका बनेंगे हमने इसमें फिट किया हुआ, ठीक हो गया। हाँ, इसकी कीमत कैसी होगी, मुनासिब होगी? सब कीमत होगी जो हलवाई वाले आपको पता है कि छोटे छोटे लेवल पे कारोबार करते हैं, ठीक, उनकी पहुँच में होगी इंशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा फैक्ट्री में और क्या क्या चीज़ें तैयार की जा रही हैं? और हम निम्को फ्राई करते हैं काफ़ी तादाद में, लोग जो फ्राइयों वाले हैं उनके लिए भी हमने ये बनाया स्टॉप, वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए, और आइए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, ये चेक कर सकते हैं कि क्वांटिटी इनके पास बहुत ज़्यादा है। ये जो आपको चूल्हे नज़र आ रहे हैं ये भी तैयारी में है, और ये घरेलू सार्फिन के लिए बेहतरीन चीज़ है। निम्को फ्राई करने के लिए ये सबसे बेस्ट बर्नर है, जिसकी कढ़ाई का साइज होता है 72 फुट 70 72 80 60 इंच, काफ़ी लोगों की तादाद में कढ़ाइयों का साइज होता है, उनके लिए ये बर्नर सबसे बेस्ट है। ये करीब से दिखाइएगा ताकि आपको जूम इन करके दिखाएं, ताकि आपको क्वालिटी का पता चले। इसका साइज क्या होगा सर? ये ऑटो बर्नर है, एक 8 इंच में बनता है, एक 10 इंच में बनता है, जो हमें को कहेगा उसको उस डिमांड के हिसाब से हम तैयार कर देते हैं। टाइम होगा 2 दिन का बस। अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको सिर्फ 2 दिन में ये तैयार कर देंगे। तो सर ये इसकी क्वालिटी कैसी है? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये अच्छी क्वालिटी में हमने तैयार किया हुआ है, बेस्ट है, और इसकी भी गारंटी इंशाल्लाह आ जाती है, इसकी भी गारंटी है, हर चीज़ की गारंटी होगी। इसकी प्राइस कैसी होगी? ये मुनासिब प्राइस है इसकी, ये तकरीबन 70,000 से स्टार्ट होता है, 1 लाख तक प्राइस जाती है इसकी। मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, जो किसी, क्योंकि कस्टमर पे डिपेंड करता है ना वो कैसी चीज़ लेना चाहता है। तो कुछ हमने जो बना के रखी हुई है तो वो कहता नहीं जी मुझे 8 में चाहिए, कोई कहता मुझे 6 में चाहिए, कोई कहता मुझे 10 में चाहिए, ठीक हो गया। तो उस हिसाब से हम तैयार करके देंगे। और इसके अलावा जो बेकरी वाले हैं उनके लिए भी बेहतरीन आइटम यहाँ पे तैयार की गई है, तो अमजद भाई इसको ब्रीफ कीजिएगा। बेकरी के लिए तो सबसे ज़्यादा खुशखबरी बेकरी वालों के लिए, अच्छा जी, क्योंकि आपको पता फ्रूट केक आपने कभी खाया? बिल्कुल खाते हैं, वो भी यही तैयार करता है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपने रस हो गए, या आपने जो डबल रोटी होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जी जिसकी 8x8 की होगी बेकरी का साइज होगा ओवन का, उसमें भी यही लगेगा, ठीक है, और जिसका 6x6 होगा शायद बेकरी के ओवन का, उसको भी यही बनना लगेगा। ये अमजद भाई थोड़े फंक्शन तो बताएं, ये किस तरह, ये भी उसी तरीके से चलेगा? ये ऑटो स्टोव है, इसमें आप 20 kg पैलेट डाल लें और यहाँ पे टाइम लगा लें, ये यहाँ पे टाइमर है, ये टाइमर आप यहाँ पे आप चाहें तो 15 मिनट में 2 सेकंड माल फेंक रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। आप 24 घंटे में ये आधा घंटा चलेगी, इसकी मोटर आधे की मोटर होती है, इतना खर्चा नहीं है इसका, ठीक हो गया, खर्चा इतना ही जैसे एनर्जी सेवर का होता है। और इसके अलावा आप ये चेक कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें, ये भी जानते हैं कौन सी मशीनें और इसका क्या काम है? ये जानवरों की खुराक मिक्स करने के लिए है, सबसे बेस्ट मशीन है ये, और भारी भी है और वजनी भी है माशाल्लाह काफी, अच्छा जी, ठीक है। आपको पता है कि जानवरों की खुराक भारी होती है, ठीक हो गया, क्वांटिटी ज्यादा होती है और भारी होती है, उसके लिए ये कस्टमर ने हमारे से तैयार करवाई है, जिसकी तकरीबन 150 भैंस है, ठीक हो गया। उसके लिए ये मिक्सर तैयार करवाया उसने, जानवरों का जितना भी खुराक होती मिक्स करके वो डालता है जानवरों, ठीक हो गया। इसकी गारंटी होगी? इसकी भी गारंटी होगी 3 साल की, अच्छा। ये 14 गेज में तैयार की गई है? ये कस्टमर पे डिपेंड करता है ये कौन सी गेज लगवाएगा, क्योंकि उसने पैसे तो उसने खर्चने हैं, ठीक हो। तो हम अगर कोई कहे मुनासिब रेट में हम उसको बना के देते हैं, गेजे हम बता देते हैं, अगर कोई कहे हमें अच्छी क्वालिटी और ज्यादा बारी चाहिए हम उसके हिसाब से बना देते हैं। ये कौन सा गेज है? ये तकरीबन अब हमने जो है 14 गेज यूज की है, ठीक हो गया, 14 गेज में तैयार। और इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है तकरीबन ये 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, 1.5 लाख में भी बनती है, 2.25 लाख में बनती है, 3 लाख तक जाती है ये, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसकी मोटर से जो साथ लगी हुई ना गियर मोटर, ये आप देखें मोटर कौन सी यूज कर रहे हैं आप? ये हम वलैती मोटर गियर मोटर लगाते हैं, पाकिस्तानी नहीं हमारा कोई माल ब्रांड होगा, ठीक है, वलैती लगी हुई, ये देखें हमने इसको जॉइंट किया है चैन के साथ, इसको इम्पोर्टेड कहते हैं, इम्पोर्टेड मोटर है ये, ठीक हो गया। वलैती कह रहे हैं ये इम्पोर्टेड मोटर यूज कर रहे हैं? हाँ जी, मोटर गियर मोटर ये, इस पे अभी ये तकरीबन 4 HP की लगी हुई है, क्योंकि ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कितना वो इसमें पैसा खर्च करता है, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा ये आपके पीछे ये कौन सी मशीन है? ये छानना है, पैलेट छानने वाला छानना है,
अच्छा पैलेट छाने वाला छानना है। हाँ जी, जो ब्रीक पैलेट होता है वो नीचे गिर जाता है, फिर से उसका प्रोसेस चलता है मशीन में से गुजरता है। और जो मोटा पैलेट होता है, क्योंकि कस्टमर जो भी पैलेट लेता है वो देखता है यार इसमें ज़्यादा बुरादा तो नहीं है या छोटा पैलेट तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जितना अच्छा पैलेट होगा फिंगर की तरह वो कस्टमर जो है पसंद करता है। ज़बरदस्त, ये पैलेट छानने वाला छानना है। ज़बरदस्त, क्या कीमत है इसकी? ये मुनासिब रेट है, ये तो प्लांट में ही मेंशन हो जाता है ना, टोटल प्लांट में। ठीक हो गया। हाँ जी, जो तो प्लांट टोटल प्लांट की क्या कीमत होगी? टोटल प्लांट मुख्तलिफ रेट होते हैं, सबसे कुछ लोग गरीब तरीन होते हैं जो कि कहते हैं कि हम, क्योंकि अब लोग चूल्हे ले रहे हैं आपको पता, तो हर बंदा यही पूछता है यार हम पैलेट कहाँ से लेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ लोगों को कि आप आगे आए हैं, आगे अपनी हर यूनियन कौंसिल में आपको पता है कि तीन चार आरे तो लगे ही होते हैं तरखानों के, आप उस वेस्ट को ज़ाया ना करें, आप ये एक छोटी सी मशीन लें, छोटे लेवल से हम 7 लाख से स्टार्ट कर दें, 7 लाख से, 7 लाख के लिए तो कारोबार करने के लिए हर बंदे के तो नहीं, चलो हर 100 बंदे में से एक तो बंदा होता है जो ये कारोबार कर सकता है, तो 7 लाख से स्टार्ट होता है ये छोटे लेवल से लेके, ये तकरीबन चलता चलता, क्योंकि जितनी बड़ी प्रोडक्शन में मशीनें जाएंगी और ये प्लांट में 7-8 मशीनें होती हैं, 6 से 7-8 जितनी ज़्यादा होंगी तो उतने आपको पता है ये रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है। हाँ जी, ये 7 लाख से स्टार्ट होता है और ये चलता चलता 25 से 30, 20, 25, 17, 18, 20, 25, 30 तक जाता है। ज़बरदस्त हो गया। तो मेरे साथ मौजूद होंगे राना हाफिज़ साहब, इनसे जानेंगे कि इस फैक्ट्री में मजीद क्या क्या वैरायटी तैयार की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का, शुक्र है, आप सुनाए ठीक है। ज़बरदस्त सर, क्या क्या इस फैक्ट्री में मजीद वैरायटी तैयार कर रहे हैं आप? इस फैक्ट्री में हम शुरू से लेके एंड तक तमाम चीज़ें जो वुड पैलेट होता है ना वो भी तैयार कर रहे हैं, उनकी मशीनें भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जो मशीनें हैं वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये बेकरी वाले चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवन वाले चूल्हे बना रहे हैं और मज़ीद हम ऑटोमेटिक ये चूल्हे बना रहे हैं इसलिए कि लोगों को परेशानी ना हो। पहले जो हम चूल्हे बनाते थे देखो वाले वो पड़े हैं, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो दिखा सकता है, वो अभी भी लोग लेके जाते हैं लेकिन उनको पैलेट डालने में दुश्वारी होती थी। अभी आपने जो वीडियो बनाई है बाहर वो हमने नई तनकीद बनाई है, नई चीज़ ईजाद की है, कोई भी इंसान बार बार कढ़ाई नीचे नहीं रखता, ऊपर नहीं रखता, इसलिए वो वुड पैलेट एक दफ़ा 20 किलो डाल लेगा और उस पर भी जब उसको दिल करेगा आप डाल सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। ये अभी हमने बनाया देखो के लिए, अभी नया चूल्हा तैयार किया है। ठीक हो गया। कि जो लोग कहते थे ना ये बना हुआ है तो भाईजान हम इसमें वुड पैलेट कैसे डालेंगे? सही हो गया। ठीक है, अब ये नया तैयार किया है। अच्छा, वुड पैलेट इसमें डालेंगे? इसमें एक दफा वुड पैलेट डाल देंगे और आस्ता आस्ता इधर फेंकते चलेंगे जाएंगे और आस्ता आस्ता अगर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक हो गया, ये वुड पैलेट आपको डाल के दिखाएंगे कि वुड पैलेट किस तरह डालेंगे और जो देगे हैं वो यहाँ पर पकेंगी और यहाँ से आसानी से आप डालते जाएंगे। ये चेक कर सकते हैं कि वुड पैलेट इस तरीके से ये नीचे चूल्हे में जा रहा है और इधर आके यहाँ पे इसको जलाया जाएगा, यहाँ पे आके इसको जलाया जाएगा और इधर जो भी आप कोई चीज़ तैयार करना चाह रहे हैं आसानी से कर सकते हैं, दूध बिग क्वांटिटी में गर्म करना चाह रहे हैं उबालना चाह रहे हैं और इसके अलावा देगे वगैरह पकाना चाह रहे हैं तो वो भी पक सकती हैं यहाँ पे। अभी ये तैयार हो जाएगा, बाहर आपको दिखाया जो तैयार हुआ है, जो जल रहा था वो तैयार है। ठीक है, हम ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा माल तैयार करते हैं, जिस भाई को भी चाहिए माल वो अमजद भाई से रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि ये क्या कौन सी मशीन है? ये छोटी मशीन बन रही है वुड पैलेट की। अच्छा। इसमें आप फीड भी, मुर्गियों की फीड भी बना सकते हैं, जानवरों की फीड भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये वुड पैलेट की मशीन है, वुड पैलेट भी बना सकते हैं, जो आपका दिल करे जो मच्छी फार्म पे डालती है फीड वो भी आप बना सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा ही आप इस पे काम कर सकते हैं। ये अभी तैयारी के मरहले हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद तैयार हो जाएगी मुकम्मल। ठीक हो गया। तो इसके अलावा ये चेक करें जी, ये भी कोई नई चीज इन्होंने तैयार की है, इनसे भी जानेंगे। ये वुड पैलेट की मशीन बन रही है बड़ी वाली। बड़ी वाली? हाँ जी, ये 1 घंटे में तकरीबन 700 किलो वुड पैलेट निकालेगी। 700 किलो? हाँ जी, 700 किलो निकालेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। सर इसकी क्वालिटी कैसी है? बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये हम अपने लिए खुद तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी। प्लांट लगाने लगे हैं, आप विजिट कर सकते हैं, ये देखें हमारे, ये चेक करें जी, ये चेक करें जी, पैलेट बनाने वाला आपको मुकम्मल मिक्सचर यूनिट आपको दिखा रहे हैं, ये भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये पैलेट छानने वाला है और ये पैलेट छानने वाली मशीन है, ये भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। सर माशाल्लाह आप घरेलू सार्फिन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी तैयार कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें आप सोच रहे हैं तैयारी के लिए? हमने स्टेप पहले लिया घरेलू सार्फिन के लिए, उसके बाद हमने वुड पैलेट प्लांट का स्टेप लिया, उसके बाद हम कमर्शियल लेवल पर स्टेप लिया, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो
लोग फीड की चीज़ें तैयार करते हैं, जैसे मिक्सर हो गया, फीड की मशीनें हो गई, फिश की फीड हो गई, उसकी मशीनें हो गई, वो भी हम तैयार करके देते हैं। अच्छा, वो भी तैयार करेंगे? वो भी हम तैयार करके देते हैं। को हमें ऑर्डर करें, हम तैयार कर देते हैं। हमारा टाइम 20 दिन का होगा। जो खाली मशीन लेना चाहेगा उसको 10 दिन का टाइम होगा। जबरदस्त हो गया, ठीक है ना। तो लास्ट पे डिलीवरी का तरीकेकार बता दें और लोकेशन बता दें। लोकेशन हाफ साहब तुहानू बताएंगे। हाफ साहब तुहानू ठीक हो गया। हाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये आपको मुकम्मल लोकेशन गाइड करेंगे जी। हमारी लोकेशन यही है कि मेन बाजार गुलबहार टाउन, हाजी असगर अली मार्केट, मोमनपुरा चौक, लाहौर। धोखेबाजों से आप बचें। आजकल लोग धोखेबाज बहुत हैं। जब हमारा दफ्तर बंद हो जाता है तो लोग आ जाते हैं, जी हमसे चूल्हे खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें। उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जो हम चीज़ देंगे उसकी आपको रसीद देंगे। ठीक है। ये मेरे साथ ओनर्स मौजूद हैं, अमजद साहब और हाफिज साहब। तो आपने इनको देख के चूल्हा बाय करना है, किसी और से बाय करेंगे तो उसकी गारंटी नहीं आपको मिलने वाली। हाँ जी, हम 3 साल की गारंटी देते हैं। हमारे चूल्हे पे आप 3 मन तक वजन डाल सकते हैं, स्टील वाले चूल्हे पे। और जो दूसरे चूल्हे हैं उन पे आप 10 मन 15 मन जो बेकरी पे इस्तेमाल होते हैं, हलवाइयों पे, मिठाइयों पे, उस पे आप कितना दिल करे आपका वजन उठा सकते हैं। अभी आपको दिखा भी सकते हैं कि ये 3 मन वजन जो है वो हमारा चूल्हा उठा सकता है। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। 3 मन? हाँ जी, 3 मन वजन उठाएगा। 114 किलो मेरा अपना खुद वजन है। अभी आपके सामने आपका कैमरामैन दिखाए। ये चूल्हा चेक करें, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत कमजोर है, लेकिन ये बहुत मजबूत चूल्हा है। हाँ, ऐसा ही है सर? हाँ जी, अभी आपके सामने देख लें, आप खुद ही देखें। ये देखें, ये चेक करें जी। माशाल्लाह आपका काफी ज्यादा वेट है, तो आप देख सकते हैं ये कि हमारा चूल्हा ना फटेगा ना खराब होगा। इसकी हम 3 साल की गारंटी देते हैं। इलेक्ट्रिकल की कोई गारंटी नहीं है। जो लोग बालन वाले ले रहे हैं वो अपने खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, हम बालन वाले चूल्हे नहीं बनाए। अगर कोई हमको ऑर्डर देगा बालन वाला तो वो भी हम आपको बना देंगे। साहब का लास्ट पे फिर आपको नंबर बता रहा हूँ, 0303-430-1099। अब आपको कंप्लेन नहीं होगी कि अमजद साहब फोन नहीं उठा रहे। अमजद साहब खुद फोन उठाएंगे, आपसे बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? आज की वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपको बताया कि घरेलू इस्तेमाल के लिए आप यहाँ से चूल्हे बाय कर सकते हैं जो बिल्कुल गैस के बगैर चलते हैं। आपको पता है कि गैस तो पाकिस्तान में मिल ही नहीं रही और घर में आती भी नहीं है, तो ये बेहतरीन चीज़ है। यहाँ से आप मुनासिब कीमत पे यहाँ से आप चूल्हा बाय कर सकते हैं और इसको आप अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कमर्शियल भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।